गुड इवनिंग। आज हम लोग कक्षा 9 का अध्याय 12 को पढ़ेंगे, जिसमें जिस अध्याय का नाम है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र में क्या होता है कि एक त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, जिसकी तीनों भुजाएं दिया हुआ होता है, जिसमें से एक भुजा ए, दूसरी बी और तीसरी सी होती है। इस तीनों भुजाओं में जो दिया हुआ रहता है, इसके बाद हम लोग निकालते हैं अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप तो अर्धपरिमाप निकालने के लिए यानी सेमी पैरामीटर, इसको एस से डिनोट करते हैं। तो सेमी पैरामीटर जो होता है वो तीनों का परिमाप, तीनों का त्रिभुज का हम अगर परिमाप निकालेंगे तो त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो ए बी सी होता है। और यहां बोल रहा है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप यानी इसको आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो गया ए प्लस बी प्लस सी बटा दो। अब अर्ध परिमाप निकालने के बाद हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। अब ये दोनों क्या हो सकता है, हमें इस चैप्टर में इन दोनों सूत्रों का आवश्यकता हमें होगा। जैसे अगर हम लेते हैं कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं, मान लो ये त्रिभुज हम ले लिए एबीसी। अब त्रिभुज एबीसी लिए हैं जिसमें एक का भुजा जो है वो 24 सेंटीमीटर, एक का 32 सेंटीमीटर है और एक का 40 सेंटीमीटर है। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, जब भुजा दिया हुआ हो तब हम अगर यदि क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे यहां। तो यहां क्या है यानी हेयर, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर और बी इक्वल टू कितना है 32 सेंटीमीटर मेरा दिया हुआ है और सी जो दिया हुआ है वो मेरा कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इससे हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरामीटर। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे किसका, त्रिभुज का। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा दो। तो ए मेरा दिया हुआ है 24, बी दिया हुआ है मेरा 32 और सी दिया हुआ है मेरा 40 बटा कितना हो गया 2। अब क्या है मेरा कि 4 और 2 6 हो गया, 4 3 7 और 2 9 यानी 96 बटा कितना हो गया 2। तो 96 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं, इसे काटते हैं तो कितना हो जाएगा 48 दुनी 96 यानी एस मेरा कितना आ गया, एस मेरा आ गया 48 सेंटीमीटर। एस निकालने के बाद यानी अर्ध परिमाप निकालने के बाद हम जो निकालेंगे वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। इस पर अगर हम पुट करेंगे तो क्या है कि एस मेरा आ गया कितना 48 सेंटीमीटर, 48 हो गया, फिर एस है 48 माइनस ए में हो गया मेरा 24, फिर 48 माइनस बी में मेरा कितना है 32 सेंटीमीटर और फिर हो गया एस मेरा कितना 48 और सी मेरा दिया हुआ है 40। अब इसको आगे हल करते हैं तो 48 हो गया ये, फिर गुने 48 में अगर 24 जाएगा तो मेरा हो गया 24, फिर 48 में अगर 32 जाता है तो हो गया 16 और 48 में अगर 40 जाता है तो हो गया मेरा 8। अब अगर इसके अनुसार अगर हम तोड़ते हैं 48 को, क्योंकि यहाँ एक 16 है तो उसके अनुसार अगर 48 को तोड़ते हैं, क्योंकि रूट से हम तभी हटा सकते हैं जब उसका पेयर लगेगा यानी जोड़ा लगेगा, तो इसको तोड़ते हैं तो 16 3 48, अब 8 है यहाँ, तो 8 को अगर 24 से तोड़ते हैं तो 3 8 24 ये भी टूट गया और ये 16 है और ये 8 है। अगर
हम यहां देखते हैं इसको अगर हम सजा दें तो ये क्या है मेरा 3 × 3, फिर क्या है 8 × 8, फिर मेरा है 16 × 16। अब ये देखो, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया और ये जोड़ा लग गया। अब क्या होगा, जब जोड़ा लग जाए तो क्या होता है, वो रूट से बाहर हो जाता है। तो रूट से जब बाहर करेंगे तो 3 × 8 × 16। अब इसको हम गुना अगर करते हैं तो 8 × 24 को हम अगर 16 से गुना करते हैं तो मेरा कितना आता है, 24 को यदि हम 16 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 6 × 6 = 24 और 6 × 12 = 2 कितना हो गया, 14। 4 × 1 = 2 तो 4 × 1 = 4 और 2 × 1 = 2 तो 2 × 2 = 2। अब इसको जोड़ देंगे तो 4 × 4 = 8, 2 × 1 = 3 यानी मेरा कितना आ गया, 384। यानी इसका जो आंसर है वो कितना हो गया, 384 cm². किसी भी त्रिभुज का या किसी का भी अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर एरिया निकालते हैं तो वो जो आता है वो वर्ग में आता है। तो ये इसका यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो इसका कितना हो गया, 384 cm².